भूटान का एमएलए कौन है पता लगा? देवा क्या जनरल नॉलेज है? एमएलए एमएलए नहीं होते क्या वहाँ? क्या फर्क पड़ता है, वो अपना एरिया नहीं है, कहीं और अपना रॉब झाड़ना। एरिया चाहे कोई भी हो, मेरी पावर दिल्ली तक है, बस एक फोन कॉल काफी है। मेरे भोले भंडारी, भूटान भारत का हिस्सा नहीं है, एक फॉरेन कंट्री है, हिमालय में बसा एक छोटा सा देश है रे, तेरे दिमाग जैसा। सीता वहाँ क्या करने गई है? अंकल ने कहा था तुम इतनी लंबी होने के बाद ही आओगी। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था सीता तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना है। सीता, ये तुम्हारी बचपन की बॉटल है, ये वो फ्रॉक है जो तुमने फर्स्ट बर्थडे पर पहना था। ओह नो, आपका तो बटन खुला है जी। सो क्यूट। थैंक यू। सीता, ये पहला आईना है, इस डॉल से तुम खेलती थी, ये तुम्हारी तब की फोटो है जब तुम सिर्फ 7 साल की। सीता, अभी 10:20 हुए, रोज 10:30 मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। So cute. What is so cute? तुम्हें चाय पीनी है ना? भैया चाय की दुकान पर रोकना प्लीज। तुमने 2 घड़ियाँ क्यों पहनी हुई है? ये आपका टाइम है और ये मेरा टाइम। तुम्हारा टाइम मतलब? ये मेरा पल्स ऑक्सीमीटर है, मेरी हार्ट कंडीशन रीड करता है, मतलब मेरा टाइम। ओह नो, 10:20 हो गए। मैं रोज 10:30 चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, और उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट लेता हूँ और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। कितनी बार बताओगे? सीता, कार इस वक्त 60 की स्पीड से चल रही है, मतलब हम एयरपोर्ट 10:40 पे पहुँचेंगे। मैं अंकल के साथ कई बार गया हूँ, पहले हम वहाँ जाएंगे, फिर हम चाय का ऑर्डर देंगे, फिर वो वेटर ऑर्डर सुनेगा, चाय बनाएगा, चाय लेकर आएगा, फिर हम चाय पियेंगे, तब तक 11 बज जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तुम कभी एयरपोर्ट नहीं गए इसीलिए तुम्हें नहीं पता, मुझे 10:25 को चाय मिल जाती है और फिर मैं एग्जैक्टली 10:30 पहला सिप लेता हूँ। मैं रोज सेम टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, जरा सा भी डिले बर्दाश्त नहीं होता। टाइम मतलब टाइम, मुझे चाय टाइम पे चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे मेरी चाय चाहिए, चाय चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स, ओके, कूल, कूल। हे, हे, रिलैक्स, रिलैक्स, प्लीज काम डाउन, चिल्लाओ मत। चाय चाहिए, चाय चाहिए, एक चाय साथ में 2 बटर बिस्किट लाकर उसके मुंह पे मार दो। नहीं मुंह पे नहीं, चाय कप में और बटर बिस्किट प्लेट में। अपनी डिटेल्स अपने पास रखो। हो गया, अब चले। तुम ठीक से सुनती नहीं हो ना, अभी मुझे टैबलेट्स लेनी बाकी है। टैबलेट्स क्यों लेते हो? पता नहीं। हाँ? कब से ले रहे हो? जब से अंकल छोड़ के गए। 20 साल से ले रहे हो? इनका नाम क्या है? मैं नाम जानकर क्या करूंगा सीता, मैं हर रोज 10:20 को लाइब्रेरी जाता हूँ, एग्जैक्टली 10:30 को एक अटेंडेंट मुझे चाय और बिस्किट देता है, उसके बाद एक रेड टैबलेट और एक ग्रीन टैबलेट एक छोटी सी प्लेट में मेरे टेबल पे रखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर जी, मेरी पूरी की पूरी जायदाद हड़प के बैठे हुए हो, एक अटेंडेंट क्या 100 खड़े कर देंगे? 100 की जरूरत नहीं है सीता, एक ही काफी है। अगर ये दवा नहीं ली तो मुझे पैल्पिटेशंस होने लगेंगे। व्हाट? पैल्पिटेशंस शुरू हो गई, धड़कनें बढ़ रही हैं। बोलो सीता। राम जो 2 टैबलेट्स लेता है उनका नाम बताइए। नहीं बताऊंगा। पहुंच गई है, चलिए कुछ। जस्ट शट अप, मरता है तो मरे, अगर इसे कुछ हुआ तो उसकी वजह होंगे गुरुजी। मैम 95। बताता हूँ, रुको। पेपर। ओके। पांड्रो, हाँ? भाई को फोन लगा और स्पीकर पे डाल। हाँ बोल। सीता मैडम की असिस्टेंट केमिकल की शॉप पे गई है भाई। लेकिन क्यों? वो तो मुझे पता नहीं, पर उसे देखते ही मुझे प्यार 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 हो गया। आई लव हर ब्रो। तू आ तो सही, तेरे प्यार का गुलाब निकालता हूँ। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय हार्ट, जिसको देख के मेरे अंदर का गुलाब हिलता है, इसका पीछा करूँ क्या? वहां से हिला तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। वही टिका रहे और उन पर नजर रख। भाई अभी अभी वो दवा के दुकान से निकली और अब लौंडे को दवाई दे रही है। Thank you.
ओह नो, आपका बटन खुला है जी। अभी क्या चल रहा है वहाँ? बात चल रही है, मस्ती हो रही है, मस्ती के बाद सबकी सस्ती हो गई। यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं। अबे पता कैसे नहीं, तू उनको फॉलो नहीं कर रहा है? आपने कहा था ना हीलूंगा तो हड्डियाँ तोड़ देंगे, इसीलिए हम लोग हीले ही नहीं। तेरी तो उसको फॉलो कर। ओके मोटा भाई, तुम सीता भाभी को फॉलो करो और मैं उनकी प्यारी असिस्टेंट को फॉलो करता हूँ। भाई को बताना नहीं हो, नहीं तो बात ही गुल कर देगा। अबे ठक्कन, मैंने कॉल कट नहीं किया था। हाँ तो फिर काटना भाई। लगता है एक्सीडेंट हुआ है मैम, रोड के बीच में कंटेनर पड़ा हुआ है मैम। हेलो, इधर सती बोलता है, उधर कौन बोलता है? इधर जय बाबू बोल रहा है, बोलो। गेंडा भाई नहीं है क्या? इधर ही है, आराम से दूसरों की मेहनत का फल ठूस रहा है। ट्रैफिक जाम हुआ है, समझे क्या? सीता कहाँ है और क्या कर रही है ये बता। ये गॉड सीता, सीता फुल डिटेलिंग, यू डोंट हैव अदर वर्क, सीता ईटिंग वड़ा पाव इधर। ओ हेलो हीरो, कहाँ चले? उस एम्बुलेंस में एक पेशेंट फंसा हुआ है। हाँ तो तुम जाकर उस कंटेनर को हटाने वाले हो? हाँ। पता है कितना वजन होगा? 4000 किलोज। तुम हल्क हो या किंग कॉन्ग जो अपने हाथों से हटा दोगे? हटा दूंगा सीता, अगर तुम कुछ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। हाँ कौन छे? क्या थी आप यो छे? खुद को बाहुबली समझता है क्या? अकेला कंटेनर हिला रहा है। देखो कैसे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, सो एम्बैरेसिंग। जाओ उस पागल को वापस लेकर आओ, मजाक बना रहा है, पूरी कायनात मदद करने आएगी पागल आदमी। भाऊ, हाथी भाऊ। हाँ तुम्हारा भाऊ एकदम हाथी जैसा है, शरीर से हाथी जैसा लंबा चौड़ा और दिमाग बेचारे का इत्तू सा। जय बाबू ये क्या है, मौका मिलते ही आप मेरी खिंचाई करते हैं। हाथी के बारे में क्या कह रहा था बोल? भाभी जी लोंडे के साथ है ना भाई, वो हाथी के साथ कंटेनर हटा रहा है। ये तो क्या बके जा रहा है, यहाँ कोई जंगल और जंगली जानवरों की डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है और वो लौंडा कोई शेर है क्या? चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है मैम। तुम थक गए ना? नहीं तो? मैं तो थक गई, तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाऊं? कशी पूरी आएगा सीता। मैं वहां नहीं बैठूंगा, वो लड़की अजीब हरकतें कर रही है। क्या किया उसने? वो ना वो, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और कहीं नहीं। कहाँ बैठोगे? मेरी गोद में बैठोगे? आओ बैठो यहाँ। मेरा वजन कैसे झेलोगी? तो जाओ एक सीट लेकर आओ, जाओ यहाँ पर मेरे पास रख देना। ओके कंडक्टर साहब, सीता के पास बैठना है, एक सीट चाहिए। ये सीट चाहिए? ले लो, निकाल कर ले लो। शुक्रिया। ले लो। ये क्या किया? What is this? आपके पास बैठने के लिए सीट उखाड़ दी मैडम। तुमने बस की सीट निकाल दी? तुम्हारे कहने पे किया ना सीता। इनकी बस का गियर उखाड़ने को कहूंगी तो उखाड़ दोगे? तो फिर जाओ। उखाड़ेगा? उखाड़ेगा? उखाड़ दो। मैडम मैडम पागल आदमी ये कर देगा। मैडम मैडम रोकिए उसे, मैडम रोकिए उसे, मैडम प्लीज मैडम, मैडम मैडम। सीता 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 सीता
अपनी जिंदगी भर तेरी धुलाई को भूल ना पाए और जब भी याद करो उसकी पॉइंट गिरी हो। हे, कॉल लगा तो उस गधे से बात कीजिए। बोल रहे लवर बॉय। अरे आई एम सेइंग नमस्ते नमस्ते लाइक पागल कूत्ता। साहब को नीचे उतर के हाथ तो मिलाना था ना। इसमें अगर इतने संस्कार होते तो एक लड़की के पीछे पूरे शहर को लगाता क्या है? अगर मेरी तारीफ खत्म हो गई हो तो उसे पूछो फोन क्यों किया। अरे बोला ना उसने, तुमने उसे नमस्ते नहीं किया। अरे हाँ नमस्ते नमस्ते। सीता बस वहाँ पहुँचती होगी, उसके असिस्टेंट आएगी क्या? एक और बार उस असिस्टेंट का नाम लिया ना तो तुम दोनों को साथ में ठिकाने लगा दूंगा। You not have feeling for my feeling. Leave me alone. मेरा फोन काटता है साला।